दो दिन पहले तेज बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग पर कुम्हारहट्टी के पास बड़ी भारी भूस्खलन होने की वजह से पहाड़ खिसक कर चिकनी नदी में आ गया था, जिसके चलते सड़क भी जगह जगह से टूट गई थी और उसमें दरारें आ चुकी थी, जिसके बाद से ही लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग नालागढ़ के अधिकारियों की ओर से पोपलैंड मशीन लगाकर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज भी पूरा दिन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का कार्य चलता रहा, जिसके चलते शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की ओर से पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस मार्ग को बहाल कर दिया गया। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग नालागढ़ के एसडीओ राजकुमार ने बताया कि अगर रात को बारिश नहीं हुई तो कल तक छोटी गाड़ियों के लिए रामशहर मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर मलबा बहुत ज़्यादा आया, जिसके चलते हटाने में कर्मचारियों को बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि दिन रात करके कर्मी इस मार्ग को बहाल करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर रात को बारिश रुकती है तो सुबह तक इस सड़क को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। जो कुम्हारहट्टी के पास बंद हुआ था उसको आज पैदल चलने के लिए खोल दिया है, और रात को अगर मौसम ठीक रहेगा तो कल छोटी गाड़ियों के लिए रोड खोल दिया जाएगा।